एरे टाइप्स, लेकिन उसको समझने से पहले देख लेते हैं एरे के टाइप्स कितने होते हैं। मेनली यहां पर एरे के दो टाइप्स हैं, एक वन डायमेंशनल एरे और दूसरा टू डायमेंशनल एरे। तो अब तक हमने वन डायमेंशनल एरे देखा, अब देखते हैं मल्टी डायमेंशनल एरे। उसमें सबसे पहले देखते हैं टू डायमेंशनल एरे, जहां पर हम दो सबस्क्रिप्ट देंगे, एक रो के लिए और दूसरा कॉलम के लिए। जैसे कि स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं, एरे नेम और उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट में रो साइज, दूसरे स्क्वायर ब्रैकेट में कॉलम साइज। यहां पर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे रो इनटू कॉलम। टू डायमेंशनल एरे को एक एग्जांपल की मदद से समझते हैं। जैसे कि स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं, मार्क्स करके एक एरे डिक्लेयर किया गया है विथ फोर रोज एंड थ्री कॉलम। अगर मुझे ये एरे के सभी एलिमेंट को इनिशियलाइज करना है तो कुछ इस तरह से हो सकता है, 00 मतलब फर्स्ट एलिमेंट, 01 मतलब सेकंड एलिमेंट, 02 मतलब थर्ड एलिमेंट, ऐसे आपका लास्ट एलिमेंट रहेगा 32। अगर टू डायमेंशनल एरे को कुछ अलग तरीके से इनिशियलाइज करना है, जैसे कि हमने वन डायमेंशनल एरे में देखा था, तो उनको भी कर्ली ब्रैकेट में आप इनिशियलाइज कर सकते हैं, जैसे कि आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। टू डायमेंशनल एरे का प्रैक्टिकल एग्जांपल देखने से पहले एक और चीज़ यहाँ पर देख लेते हैं कि अगर डायमेंशंस बढ़ाते हैं तो यहाँ पर आप कितने भी डायमेंशन के साथ काम कर सकते हैं। नाउ टू डायमेंशनल एरे को समझने के लिए एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि वन डायमेंशनल एरे में हमने देखा था कि हमारे पास वन डायमेंशन के लिए एक स्क्वायर ब्रैकेट था, यहाँ पर टू डायमेंशन के लिए हमारे पास दो स्क्वायर ब्रैकेट हैं। जैसे वहाँ पर एक ही फॉर लूप चलता था एरे एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए, यहाँ पर हमारे पास दो फॉर लूप लगेंगे एरे एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए। सबसे पहले सिंपल एक चीज़ देखते हैं कि टू डायमेंशनल एरे को कैसे हम यूज़र के थ्रू एंटर करते हैं और फिर उसे प्रिंट करते हैं। मैं यहाँ पर लिखता हूँ एंटर टू डायमेंशनल एरे ए और दो फॉर लूप, एक हमारा आएगा रो के लिए और दूसरा हमारा आएगा कॉलम के लिए। यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट यानी कि रो इनटू कॉलम, हमारे एग्जांपल में तीन रो है तीन कॉलम, मतलब टोटल हम यहाँ पर 9 एलिमेंट इंसर्ट करेंगे। सबसे पहले रो के लिए 0 से लेके 3 तक और उसी तरह से कॉलम के लिए 0 से लेके 3 तक। यहाँ पर मैं स्कैन करूँगा एम पर्सन ए ऑफ आई जे, फिर हम उसी एरे एलिमेंट को अगर प्रिंट करते हैं तो एरे एलिमेंट्स ऑफ ए सेम वही फॉर लूप जो हमने स्कैन करने के लिए दी थी, प्रिंट करने के लिए भी वही फॉर लूप चलेगी। यहाँ पर मैं सबसे पहले एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में प्रिंट करता हूँ, जैसे हमने वन डायमेंशनल एरे में किया था, इज इक्वल टू परसेंटेज डी। 3 परसेंटेज डी है, एक आई, दूसरा जे और तीसरा ए ऑफ आई जे। सिंपली अगर हम इस प्रोग्राम को रन करते हैं तो आउटपुट हमारे सामने कुछ इस तरह से रहेगा। सबसे पहले 9 एलिमेंट और आप देख सकते हैं 00, 01, 02, उसी तरह से पूरे 9 एलिमेंट हमने यहाँ पर एंटर किए। नाउ अगर हम यहाँ पर एरे एलिमेंट को मैट्रिक्स फॉर्मेट में प्रिंट कराना चाहें तो उसमें हमें थोड़े बहुत चेंजेस करने पड़ेंगे। जैसे कि
मैं यहाँ पर सिर्फ ए ऑफ आई जी को प्रिंट कराता हूँ, जिसमें हम एक स्लैश टी दे देते हैं, मतलब हर बार वो एलिमेंट प्रिंट करने के बाद एक टैब की जितनी जगह छोड़ेगा, और तीन एलिमेंट के बाद हमारी लूप चेंज होती है। तो यहाँ पर हर तीन एलिमेंट प्रिंट होने के बाद मैं यहाँ पर स्लैशन लगाता हूँ। अगर आप फिर से इस प्रोग्राम को रन करते हो और फिर नौ एलिमेंट आप एंटर करते हो, तो आपको आउटपुट कुछ मैट्रिक्स फॉर्मेट में इस तरह से मिलेगा। तो ये था हमारा टू डायमेंशनल एरे। तो इस लेक्चर में हमने देखा एरे, जिसमें था वन डायमेंशनल एरे, टू डायमेंशनल एरे एंड मल्टी डायमेंशनल एरे का सिंटैक्स। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे स्ट्रिंग।